Welcome to the lecture number 11 of Power Electronics. In this lecture, we will discuss why we are using our devices just like a switch. So, as we know that linear electronic devices are mostly designed to operate in their linear region. So, or we can say that linear active region. And जैसे-जैसे हमारे पास evolution हुई, हमारे पास इन devices में हमारे पास transistors आए, हमारे पास PN junction बने. सो हमने क्या किया, हमने इनको इनके जो ऑपरेशन थे उनको डिस्कस करना शुरू किया. सो ये हमारे पास जो थे वो लीनियर एक्टिव रीजन में काम करने वाले डिवाइसेस थे. लेकिन इन्हीं डिवाइसेस को अगर हम डायोड की बात करें या स्पेशली हम ट्रांजिस्टर की बात करें, तो अगर हम इनको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करेंगे तो हम इनको इनके लीनियर एक्टिव रीजन में यूज़ नहीं करेंगे. मतलब यह है कि इनका ऑपरेशन जो है वो हम लीनियर एक्टिव रीजन के बजाय इनके कट ऑफ रीजन में फिर या सेचुरेशन रीजन में हम इनको यूज़ करेंगे. अब जब हम इनको कट ऑफ रीजन में या फिर सेचुरेशन रीजन में यूज़ करेंगे तो हमारा ये जो डिवाइस है, जो ट्रांजिस्टर है, ये जस्ट लाइक अ स्विच एक्ट करना शुरू कर जाएंगे. ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम इनको स्विचेस मूड में हम इनको यूज़ क्यों कर रहे हैं. ठीक है, सो फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि हम दो रीजन पर काम कर रहे हैं. वो ये है कि एक कट ऑफ रीजन और एक सेचुरेशन रीजन. जब कट ऑफ रीजन में होगा तो तब हमारा जो डिवाइस होगा वो ऑफ स्विच कंसिडर किया जाएगा. मतलब कि हमारे पास जो सर्किट होगा वो ओपन होगा. और अगर सेचुरेशन रीजन पे होगा तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है और हमारा जो डिवाइस है, हमारा जो वो जस्ट लाइक ऑन स्विच काम कर रहा है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट काम कर रहा है. सो हमारे पास ये जो दो रीजन आ गए हैं, एक्चुअली तीन रीजन होते हैं ट्रांजिस्टर के, लीनियर एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सेचुरेशन रीजन. सो लीनियर एक्टिव रीजन में हम लीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी कर रहे हैं. तो इसमें हम अगर हम स्विचेस की तरह काम करेंगे, सो अगर हम अपने डिवाइसेस को जस्ट लाइक अ स्विच यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इनको कट ऑफ रीजन या फिर सेचुरेशन रीजन पर चलाएँगे. ओके, सो अभी हम देखते हैं कि क्यों हम अपने जो डिवाइसेज हैं इनको जस्ट लाइक अ स्विच यूज़ कर रहे हैं. सो केस वन की तरफ चलते हैं. इस केस में हमें इनपुट वोल्टेज दी गई है 100 वोल्ट की और हमारे पास जो इनपुट पावर है वो है 1000 वाट. सो हमें क्या करना है, हमने इस पावर को डिलीवर करना है टुवर्ड्स द लोड, और लोड पे हमें चाहिए 500 वाट. सो हमारे पास एक रूल है, वोल्टेज डिवाइडर रूल. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं इन सीरीज विद लोड. सो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो वोल्टेज होगी वो डिवाइड हो जाएगी. सो डिवीजन, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास रेजिस्टर की वैल्यू सेम होगी, लेट्स से अगर हमारे पास लोड के अक्रॉस हमारे पास जो रजिस्टर है इसकी 5 ओम रजिस्टेंस है, तो अगर हम सेम यही रजिस्टर अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो जितनी वोल्टेज हमारी लोड के अक्रॉस ड्रॉप होगी उतनी ही वोल्टेज हमारे पास इधर भी ड्रॉप होगी इस रजिस्टर के अक्रॉस. तो हमारे पास अगर 50 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं तो 50 वोल्ट यहाँ भी ड्रॉप हो जाएंगे. सो 50 वोल्ट जब यहाँ पे ड्रॉप होंगे तो 50 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होने से हमारी जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो हमने अचीव कर ली, और हमारे पास जो करंट आ रहा है 10 एम्पेयर, उससे हमने पावर भी जितनी हमें डिलीवर करवानी थी वो डिलीवर करवा दी. लेकिन इससे एक इशू ये हुआ कि हमारे पास इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसने एक उसकी वजह से हमारे पास लॉसेस क्रिएट हो गए, क्योंकि रेजिस्टर हमारे पास एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट होता है. सो ये इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है ये हमारे पास एनर्जी को डिसिपेट करेगा. सो ये है कि हमारे डिवाइसेस के लिए ये अच्छी अप्रोच नहीं है कि हमारे पास लॉसेस ज़्यादा हों. सो अगर हमारे पास लॉसेस आ रहे हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो कम हो रही है. ठीक है, एफिशिएंसी कम होने की वजह ये है कि हमारे पास लॉसेस जो हैं वो रेसिप्रोकल है हमारे पास एफिशिएंसी के. अगर एफिशिएंसी का आप फार्मूला देखें तो एफिशिएंसी हमारे पास इक्वल होती है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर प्लस लॉसेस. ठीक है, सो लॉसेस हमारे पास डिवीजन में आ रहे हैं. सो डिवीजन में अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होगी. सो एफिशिएंसी हमारा जो मेन एम है वो ये है कि हम अपनी जो पावर डिलीवर कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं वो एफिशिएंटली करें, हमारे पास एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा हो. सो अगर लॉसेस को हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास ये अच्छी अप्रोच नहीं रहेगी. सो ये जो केस वन है इससे हमने ये रियलाइज़ कर दिया कि ये वाली जो अप्रोच है हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें लॉसेस आ रहे हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं जस्ट लाइक अ ट्रांजिस्टर.
और मैंने आपसे जैसे शुरू में कहा था कि अगर हम उसको एक्टिव रीजन में काम करवाएंगे तो तब भी हमारे पास लॉसेस होंगे। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जस्ट लाइक एक लीनियर एम्पलीफायर यूज़ किया एंड उसकी जो बेस थी, बेस ड्राइवर सर्किट है, ये हमने इसको यूज़ किया, तो इससे भी आपके पास 50 वोल्ट यहाँ पे ड्राप हुए। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस करंट हमारे पास सेम था 10 एम्पेयर का, तो 50 × 10 हमारे पास सेम लॉसेस आ गए 500 वाट के इधर भी। सो ये लॉसेस हमारा जो एम है वो तो यही है कि हम लॉसेस को कम से कम करें। सो यही वजह है कि हमने क्या करना है, हमने अपने पास जो डिवाइसेस हैं इनको जस्ट लाइक अ स्विच यूज़ करना है। ठीक है, सो थर्ड केस की तरफ चलते हैं। सो केस थ्री में हमारे पास, हमने अभी अब स्विच यूज़ कर दिया है, स्विच से हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो लॉसेज होंगे वो ज़ीरो होंगे। ठीक है, कंडक्शन लॉसेज भी हमारे पास ज़ीरो होंगे और स्विचिंग लॉसेज भी हमारे पास ज़ीरो होंगे और पावर, सो हमारे पास जो टोटल पावर लॉस होगा वो भी हमारे पास जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो जब हमारे पास पावर लॉस ज़ीरो होगा तो हमारे पास आउटपुट पे जो वोल्टेज आएगी वो 500 वाट तो आ जाएगी, लेकिन हमारे पास लॉसेज जो होंगे वो ज़ीरो होंगे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पास जो पावर लॉस है वो ज़ीरो क्यों हो रहा है, उसकी वजह यही है कि आपके पास कंडक्शन लॉसेज ज़ीरो हैं। ठीक है, ये जो कंडक्शन लॉसेज हैं और स्विचिंग लॉसेज है, ये नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आइडियल स्विच को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट सिर्फ ये बताना था कि हम अपने डिवाइसेस को स्विचेस के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक शॉर्ट या ब्रीफ आंसर ये है कि इससे हमारे पास लॉसेज जो हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो आइडियल स्विचेस होते हैं या प्रैक्टिकल स्विचेस होते हैं, इनमें किस तरह से हमारे पास लॉसेस ज़ीरो होते हैं। ठीक है, आइडियल में हमारे पास पावर लॉस ज़ीरो होता है और प्रैक्टिकल में हमारे पास अगर पावर लॉस आ भी रहा है तो वो इतना कम आ रहा है कि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं उनकी एफिशिएंसी, हमारे पास जो सर्किट है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आइडियल स्विच को और प्रैक्टिकल स्विच को, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई हमारे पास जो लॉसेज हैं वो ना होने के बराबर हैं और हमारे पास जो एफिशिएंसी आ रही है, पावर की एफिशिएंसी आ रही है, वो नियर टू 100% आ रही है।